चलिए कोई बात। अब हुंकारा विद हलीम जो है वो आपके लिए क्यों जरूरी है या आपको क्या बेनिफिट्स दे सकता है ऑन डेली बेसिस आपकी डे टू डे लाइफ, तो आप स्क्रीन पर भी देख सकते हैं और मैं आपको बता भी देती हूँ। इट हेल्प्स यू टू अचीव योर टारगेट्स। सेल्स वालों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। आपका फोकस और कॉन्सेंट्रेशन बच्चों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। आपका फोकस और कॉन्सेंट्रेशन बढ़ता है इससे। आपके रिलेशनशिप्स में पीस और हार्मनी आता है। ये आपको हर तरह की डिजीजेस से, जहां पर आपको मेंटल स्ट्रेस ज्यादा है उससे जो डिजीजेस आती हैं उन सबसे दूर कर देता है। इट प्रोटेक्ट्स यू फ्रॉम दोज डिजीजेस। आपके बिजनेस में चाहे लीगल कोई मैटर्स हो या फिर कुछ आपके एनिमीज हैं जो आपके सामने कहते हैं ना हम कि अज्ञात शत्रु जिसे कहा जाता है, आपको नहीं पता, उन सब की प्रॉब्लम्स को रिजॉल्व करता है। आपके ऑरा को क्लेंस करता है, आपके स्ट्रेस और एंजाइटी को हील करता है, रिमूव करता है, और बहुत इंपॉर्टेंट चीज आपकी ब्रह्म नाड़ी को एक्टिवेट करता है। मैं आपको अभी इस स्लाइड के बाद मैं ब्रह्म नाड़ी के बारे में भी आपको थोड़ा सा बताऊंगी। ये आपके थॉट्स में क्लैरिटी लाते हैं। जो भी स्टूडेंट्स हैं, जो थोड़े से स्लो लर्नर्स हैं, उनका जब फोकस और आपका जब कॉन्सेंट्रेशन बढ़ता है तो ऑब्वियसली आपके जो लर्निंग पाथ्स हैं वो क्लियर हो जाते हैं, आपके जो ब्लॉकेजेस हैं वो क्लियर हो जाते हैं। तो जहां पर भी मेंटल काम ज्यादा है, जैसे फॉर एग्जांपल सीएस होते हैं, बैंकर्स हैं, एमबीए एमबीएस हैं, देन एनालिस्ट जो होते हैं जो फाइनेंस फील्ड को बिलोंग करते हैं, पॉलिटिशियंस हैं जहां बहुत ज्यादा दिमाग चलाना होता है, गवर्नमेंट ऑफिशियल्स जो डिसीजन मेकर्स होते हैं, और जहां पर भी आपको मेंटल एबिलिटी हाई चाहिए अपनी आईएएस ऑफिसर्स, उन सबको ये बहुत काम आता है। ये जो हीलिंग मोडालिटी है ये आपकी कम्युनिकेशन स्किल को भी बहुत बढ़ा देती है। आपको पता है आप क्या कह रहे हैं, बिकॉज ये आपके चक्रास पे काम करती है, तो ऑब्वियसली उसके अंदर थ्रोट चक्रा बहुत इंपॉर्टेंट होता है आपके कम्युनिकेशन स्किल के लिए, तो वो उसको एक्टिवेट कर देती है। ठीक है, आप लोगों को सबको इसको समझने में आसानी हो रही है कि बेनिफिट्स क्या क्या है, क्यों हम हुंकारा विद हलीम करते हैं और क्यों इसकी हीलिंग्स हम करवाते हैं।